नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। भोजपुरी इंडस्ट्री में कल जो है एक रात में बड़ी ही दुखद खबर मिली थी, जिसके बाद पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री गमगीन है। और वो खबर ये थी कि बिहार के कैमूर में स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में भोजपुरी के 8-9 कलाकार के तकरीबन में जो है वो मौत हो चुकी है। और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री इस खबर को सुनने के बाद जो है वो गमगीन है। बड़ी बात यह है कि भोजपुरी के सारे कलाकार थे, कोई राइटर था तो कोई सिंगर था तो कोई मॉडल्स था तो कोई कुछ था, तो इस तरीके की चीज़ें थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता के नाम छोटू पांडे का, जो बक्सर के निवासी थे और वो एक भोजपुरी गायक थे। इसके अलावा सिमरन श्रीवास्तव, मॉडल अंशुल तिवारी और सत्यप्रकाश मिश्रा जैसे तमाम लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग गमगीन तो हैं ही, लेकिन इस कड़ी में अब बॉलीवुड से भी एक बड़ी ही दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। जी हाँ, बात करें तो बॉलीवुड के एक बड़े ही मशहूर गायक हैं और वो गजल गायक हैं, जिनका नाम पंकज उदास है। नाम आपने सुना होगा, तो पंकज उदास जीव हैं, इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं और 72 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया है। हालांकि वो बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और पंकज उदास परिवार के जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके की जानकारी जो है वो दिया है और लिखा है कि बहुत भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के कारण 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उदास के दुखद निधन के बारे में सूचित करते हुए दुखी हुई है। तो कुछ इस अंदाज में जो है लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और अपने लोगों को बताया है। बात करें तो पंकज उदास 17 मई 1991 को गुजरात के जैतपुर में जन्मे थे और उन्होंने 1980 में आहट फिल्म के नाम से एक गजल एल्बम आया था, उससे उन्होंने करियर की शुरुआत किया था। और उन्होंने संजय दत्त की एक फिल्म, जिस फिल्म का नाम जो है उस गाने का नाम था चिट्ठी आई है, ये गाना सभी को, दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाया था। और अब उस बड़े गाने को गाने वाले पंकज उदास जी नहीं हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से दुखद तो खबर थी ही, लेकिन अब बॉलीवुड से ही आज एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है कि पंकज उदास, जो एक भजन सम्राट, गजल सम्राट के रूप में जाने जाते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो पूरे भोजपुरी रिमझिम टीम की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित है।